राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपना जो मार्गदर्शन दिया है, यह न केवल वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, अभी तो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, जिनका मार्गदर्शन निरंतर मंत्री जी ने जो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जो चिंताएं व्यक्त की हैं और जो घोषणाएं की हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन के चारों चरण में जो सतर्कता और सावधानी बरती गई थी, वह अनलॉक एक के प्रारंभ होने के साथ निरंतर जारी रहनी चाहिए और सभी नागरिकों के हित में कोरोना की चेन को तोड़ने, इसके संक्रमण को हर हाल में रोकने के लिए वे सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर हो, या फिर बार बार स्वच्छ जल से हाथ धोने का कार्य। स्वच्छता का जीवन में क्या महत्व हो सकता है, स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम ने देश और दुनिया को इसके प्रति पूरी तरह सोचने के लिए मजबूर किया है। इसी प्रकार से लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ गरीब कल्याण पैकेज में गरीबों के लिए जो घोषणाएं हुई, वह बहुत महत्वपूर्ण थी। 20 करोड़ महिलाओं को जनधन अकाउंट में धनराशि जाना, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले 9 करोड़ किसान को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को इस योजना का लाभ मिलना, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए यूनिट के लिए जो पैकेज घोषित किए गए हैं, या फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं हुई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई है, और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये मुफ्त में राशन को आगामी 6 महीने के लिए बढ़ाया है और यह नवंबर 2020 तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, मुफ्त में राशन की यह व्यवस्था उन्होंने पर्व और त्योहारों को ध्यान में रख कर के और आने वाले समय में आम जन की सुविधा को ध्यान में रख कर के इसे बढ़ाया है। हम इसके लिए आभारी हैं। समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, समय से लिए गए उनके निर्णय के कारण हमारा देश कोरोना संकट से बचा है। और दुनिया के अंदर अगर हम तमाम अन्य देशों की तुलना में भारत के अंदर मृत्यु दर को देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक संतुष्टि होती है। लेकिन जिन सावधानियों की ओर और जिस सतर्कता की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है, हम सबको उसका पालन करना चाहिए। उन सभी नियमों का पालन करके ही हम कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल होंगे और उस व्यापक संक्रमण से, दुनिया के जिस संक्रमण की चपेट में बड़े बड़े देश आए हैं, उस संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और घोषणा के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।